हाय व्यूवर्स, हाउ आर यू। मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि ट्रांसफर पंप और बूस्टर पंप के अंदर जो पार्ट्स कैसे कनेक्ट करते हैं, क्या फंक्शन है, और आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि उसके जो पैनल के अंदर के इलेक्ट्रिकल पार्ट्स हैं वो किस तरह से काम करते हैं। ये पंप का आर्टिकल अंदर का पोर्शन है। ये देखिए, एलसीबी ये दिया हुआ है। एलसीबी अर्थ लीकेज, अगर कोई माइनर लीकेज है तो इसको टिप कर देगा। ये पंप वन का है, ये पंप टू का है, ये एमसीबी है। तो इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किट और हैवी करंट तो इसको भी टिप करा देगा। और ये MCB3 जो है, ये कंट्रोल ब्रेकर है। ये टाइम डिले दिया हुआ है कुछ शॉर्ट साइकिलिंग को अवॉइड करने के लिए। और ये बराबर में जो आपको हाइग्रोमीटर दिया हुआ है। अगर ये पैनल के अंदर मॉइस्चर ज़्यादा बन गया है तो ये आपकी जो हाइग्रोमीटर है, जो हीटर यहाँ लगाया हुआ है, हीटर को कमांड देगा। तो हीटर्स की वजह से जो मॉइस्चर है वो आपका पैनल से और रिमूव कर देगा, डीमोडिफाई कर देगा। इनकमिंग सप्लाई आपकी आ रही, इनकमिंग है, यहाँ से आउटगोइंग ऊपर जा रहा है। ये पंप वन का कॉन्ट्रेक्टर है, ये इसका ओवरलोड है। ये पंप टू का है कॉन्ट्रेक्टर, ये ओवरलोड है। ये आपकी लेचिंग रिले है। लेचिंग रिले का फंक्शन ये है कि ये पंप को ऑपरेट सीक्वेंस देता है, ऑपरेट करता है। फर्स्ट टाइम ये पंप अगर वन चल रहा है, पानी भर जाएगा या फिर वो जो ऑफ हो जाएगा, जब दोबारा डिमांड आएगी तो पंप टू को रन करेगा। वो चेंज करता रहता है ऐसी ड्यूटीज़। लेचिंग का काम ये है कि पंप की ड्यूटीज़ को चेंज करें। वन टाइम इसको एक बार पंप वन चलेगा, जब वो काम उसका ख़त्म हो जाएगा तो फिर उसके बंद होने के बाद दोबारा जब स्टार्ट करेगा तो पंप टू को करेगा। ऐसे पंप टू जब बंद हो जाएगा, जब दोबारा कमांड आएगी तो पंप वन चलेगा। तो अभी इसको हम दिखाते हैं। नहीं, मैंने अभी आपको दिखाने के लिए कि लीचिंग ड्यूटी कैसे काम करती है, ये पंप को मैंने ऑफ कर दिए हैं। तो मैं अभी देखेंगे ऑन करूँगा। ये देखें, पंप वन चल गया है। अभी मैं इसको बंद करूँगा। ये पंप टू चल गया है, कमांड नहीं है। आपको देखें, पंप चलेगा, पंप अभी आप देख सकते हैं कि पंप टू ऑन है, पंप टू चल रहा है, पंप वन जो है ये बंद है। तो अभी जैसे ही पानी उसका फिल होगा तो इसी कमांड पंप टू का जो है पंप वन ऑफ हो जाएगा। ये टू टू ऑफ हो गया, दोबारा कमांड है तो पंप वन ऑन हो गया, पंप टू ऑफ हो गया। अभी फिर इसकी कमांड जाएगी, ये देखें दोनों बंद हो गए, दोनों पंप बंद हैं। ये देखें दोनों पंप बंद हो गए। जब से फिर कमांड आएगी, ये देखें पंप टू चल गया है, ये कमांड बंद हो गई। फिर दोबारा ये कमांड आएगी तो पंप वन चल रहा है। फिर इसकी कमांड चली गई है, दोनों बंद हो गए। ये दोबारा कमांड आएगी तो पंप टू, फिर पानी फिल हो गया आपका, रिक्वायरमेंट ख़त्म, पंप बंद, फिर ये पंप वन, दोबारा कमांड आएगी। तो ये फंक्शन लेचिंग का है। सेम ऐसे ही है, जैसे सपोज़ आपको ये पंप वन चल रहा है, अगर कुछ प्रॉब्लम आती है, ओवर करंट है या ट्रिप होता है, कोई मसले मसाइल है इसके साथ, जैसे ओवर ट्रिप, तो अगर कमांड वन पे है, पंप रनिंग में चलते चलते ट्रिप होता है, तो यहाँ पे देख लेंगे पंप वन ट्रिप लिखा हुआ है। अगर पंप वन रन है, कुछ ट्रिप होता है, तो क्या होगा, इसको ये ऑफ हो जाएगा, ट्रिप हो जाएगा, बंद हो जाएगा, और कमांड जो है पंप टू पे चली जाएगी, तो पंप टू रन करेगा। जब तक करेगा, जब उसमें ये फंक्शन रहेगा, जब तक कि आप उसको रिसेट नहीं करेंगे, पंप टू में कमांड ही रहेगी, वो ऑन ऑफ होता रहेगा, पंप वन में कमांड नहीं आएगी। ये रिलेज लगी हुई हैं, इंडिकेशन ये रन की हैं, ट्रिप की हैं, और इसमें फ्लो की भी हैं, इसमें
सेफ्टीज की सारी दी है। ये देख लीजिए नीचे तीन कंप्रेसर, इस पर जो है पंप वन का जो आउट हो रहा है ओवरलोड से इधर आ रहा है, इसमें ब्रेकर पहले ब्रेकर से एलसीबी के बाद कॉन्ट्रेक्टर के अंदर, इनमें ये कॉन्ट्रेक्टर का आउट जो है उसमें ओवरलोड की तीन वायर हैं थ्री फेज का, ये थ्री फेज पंप है। उसके बाद ओवरलोड की आउट जो है वो ये टर्मिनल ब्लॉक में आ रही है, वहाँ से हमने पंप वन को कनेक्ट कर दिया नीचे, सेम ऐसी पंप टू का। और ये जो टर्मिनल आपको दिख रहे हैं टर्मिनल जो है फ्लोट स्विच के लिए हैं, तो 1, 2, 2, 4 तो इसमें दिया हुआ है, या जो शुरू के जो हैं 1, 2 जो लगाया हुआ है आपस में वो लो लेवल का है कि पानी नीचे के टैंक में अगर पानी अगर नहीं है तो, दूसरे से ड्राई प्रोटेक्शन भी बोलते हैं, तो पानी अगर नहीं है तो इसको नहीं चलाएगा। ऊपर की जो है जो बराबर में है जो 3-4 में लगाया हुआ है वो रूफ़ के टैंक के लिए है हाई लेवल का, अगर पानी खाली होगा तो ये क्लोज़ हो जाएगा, पानी भर जाएगा तो ये ओपन हो जाएगा। ये एक्चुअली कमांड के लिए है ट्रांसफार्मर को ऊपर के टैंक भरने के लिए। और जो नीचे वाला है लो प्रोटेक्शन का है, इसमें लो लेवल का वो ड्राई रन प्रोटेक्शन है, तो हमारा जो नीचे का जो टैंक है अगर इसमें पानी नहीं है तो ये इसको ओपन रखेगा सर्किट और इसको चलने नहीं देगा, आपके पंप को सेव करेगा, सील सेल करेगा, सील को भी इसको डैमेज होने से बचाएगा क्योंकि ड्राई रन से बचाएगा। तो ये इसका फंक्शन है, इसका डबल फंक्शन है। और ऊपर का जो है वो जैसे आपको पानी का आपकी कब डिमांड है, पानी टैंक खाली हो गया है तो वो क्लोज करेगा सर्किट को और पंप को रन करेगा कि मेरे पानी यहाँ पे चाहिए, टैंक मेरा खाली हो गया है, टैंक फिल करें। तो ये बेसिक फंक्शन है तो इनके इन स्विचेस के, तो ये लगाते हैं। बाकी जो रूफ़ का जो टैंक है उसमें जो बूस्टर पंप है उसमें रन के लिए प्रेशर स्विच होता है, वो चलाने के लिए, वो मैं आपको बता दूँ बाद में। मेरी दूसरी वीडियो के लिए आप इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें पेज को, तो मैं अभी दूसरी वीडियो है मैं इसको बताऊंगा आपको किस तरह से उसमें बूस्टर पंप कैसे फंक्शन करता है, कैसे काम करता है, और उसमें और क्या क्या इसमें ऐड करते हैं कंट्रोल्स के अंदर, क्या किस तरह फंक्शन है। तो वेट करें मेरी दूसरी वीडियो का।